हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर. दिस इज सिमरन आगरा फ्रॉम इकोनॉमिक्स. आज अपन बात करेंगे एनईपी की, और एनईपी में सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर की. वो क्या है? 5+3+3+4. सेकंड आपको देखने के लिए मिलेगा मल्टी स्ट्रीम्स का, मतलब है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी है किसी भी स्ट्रीम में कोई भी सब्जेक्ट चूज करने की. थर्ड आपको देखने के लिए मिलेगी 3 लैंग्वेज पॉलिसीज, जहाँ पे आपका लोकल लैंग्वेज के थ्रू भी आपकी स्टडीज करवाई जाएगी 8th स्टैंडर्ड तक. एंड फोर्थ आपको 4 ईयर्स का बैचलर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी जो कि रहने वाला है. और ये सारी चीज़ें अपन क्रिएट कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज नॉर्म बनाने के लिए, ताकि चीज़ों को ग्लोबली एक्सेस कर पाए, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में अपना अच्छा खासा प्रेस्टीजियस और रैंकिंग ऑर्डर लाने के लिए वी हैव टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ नॉर्म्स. तो ये 4 से 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनईपी के रेफरेंस में. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू.